गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड विद द सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरोलॉजी क्वेश्चन डिस्कशन हम लोग आज डील करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, गेट में भी क्वेश्चन आते हैं, एसएससी जेई में भी आते हैं और आईईएस में इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, इस पर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनता। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जो भी है, अगर आपको अच्छे से थ्योरी क्लियर होगी तो आप इनको क्वेश्चन को कर ले जाओगे। ये क्वेश्चन आपको तभी सॉल्व करने हैं, इसके पहले जो भी इसका वीडियो लेक्चर नंबर हो आपका, वो पहले आप कवरअप करिए, उसके बाद में ये लेक्चर आप देखोगे तो सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर ले जाओगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन, जो कि गेट 2014 और 1993 में आपका पूछा गया है और आईईएस में ये क्वेश्चन आपका 2003 में पूछा गया है। और ऐसे क्वेश्चन की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ये एसएससी जेई में रिपीट हो जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं प्रॉपरली। द क्ले मिनरल प्राइमरली गवर्निंग द सॉइलिंग बिहेवियर ऑफ ब्लैक वॉटन सॉइल, मतलब कि ये कि ब्लैक वॉटन सॉइल में जो सॉइलिंग बिहेवियर होता है, मतलब कि उसका वॉल्यूम चेंज कर जाता है, ऐसा क्यों होता है, उसमें कौन सा ऐसा क्ले मिनरल होता है जिसकी वजह से ऐसा इसमें होता है। अब बात करते हैं, पहला जो ऑप्शन है दैट इज हेलियोसाइट, फिर है इलाइट, फिर है कायोनाइट, फिर है मोंट मोरलो नाइट, जिसको क्या बोलते हैं, सीमाइट, सीमेटाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, मैंने बहुत अच्छे से थ्योरी पार्ट में डिस्कस किया था कि जो स्वेलिंग बिहेवियर होता है वो मोंट मोरलो नाइट में आपका सबसे ज़्यादा होता है, जिसे हम सीमेटाइट भी बोलते हैं। अब ये फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये मिनरल होता है मोंट मोरलो नाइट, जो क्ले मिनरल होता है, इसके अंदर वीक वांडरवाल फोर्सेज होते हैं। जब वीक वांडरवाल फोर्स होते हैं तो इसमें वाटर इजिली इंटर कर जाता है। जब वाटर इजिली इंटर कर जाएगा तो आप देखोगे इसकी स्वेलिंग और श्रिंकेज बहुत ज्यादा होता है। स्वेलिंग कब, जब वाटर इंटर करेगा, और जब मॉइस्चर वहां से आप उसको ड्राई करोगे तो उसमें श्रिंकेज भी बहुत ज्यादा आ जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ सबसे ज्यादा स्वेलिंग श्रिंकेज किसका होता है, डी ऑप्शन, दैट इज मोंटी मोरलो नाइट, ठीक है। इलाइट इंटरमीडिएट होता है, और जो कायोनाइट होता है इसका स्वेलिंग और श्रिंकेज सबसे कम होता है, बहुत ही कम होता है, निग्लिजिबल होता है। और ये जो हेलियोसाइट होता है वो एक तरीके का कायोनाइट फैमिली का ही इंसान होता है, तो हेलियोसाइट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हेलियोसाइट जो है कायोनाइट का एक दूसरा नाम होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज द मोंटो मोरलो नाइट। तो इसका मतलब ये कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, कई बार एग्जाम में आएगा कि स्वेलिंग श्रिंकेज क्यों होता है, इसलिए आपको समझना जरूरी है। मैंने वहाँ पर एक बात और बताई थी कि ये जो बॉन्डिंग होती है, जैसे आपने देखा था इसके पहले ऊपर, तो आप देखा था कि यहाँ पे टू टेट्राहेड्रल रहते हैं, वन ऑक्टाहेड्रल रहते हैं, सिलिका सीट, एल्मुना सीट, सिलिका सीट, फिर बीच में वाटर इजली इंटर कर जाता था, तो हमने वहाँ पे देखा था। तो इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर आपका बन के आता है। तो इस तरीके से आप देख पाओगे कि ये स्ट्रक्चर आपका सॉइल का बन के चला आता है। तो आप देखोगे इसके बीच में क्या बॉन्डिंग जो रहती है, ये रहती है वीक वांडरवाल, वीक वांडरवाल, वांडरवाल, वीक वांडरवाल्स फोर्सेस इसके बीच में रहते हैं, जिससे वाटर यहाँ पे इजिली इंटर कर जाता है। वाटर जब इजिली इंटर कर जाएगा तो आप देखोगे कि इसमें स्वेलिंग ज़्यादा आ जाता है। नेक्स्ट बात करें द सेप ऑफ, जो कि गेट 1997 में क्वेश्चन पूछा है, क्या कह रहा है, द सेप ऑफ क्ले पार्टिकल इज यूजुअली, जनरली कैसा ऐसा सेप इसका रहता है, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया है एंगुलर, दूसरा ऑप्शन दिया है फ्लैकी, तीसरा ऑप्शन दिया है टेबुलर, अगला है राउंडेड। तो देखो राउंडेड ग्रेवल होता है ज़्यादातर, इस केस में आप जाओगे तो ग्रेवल का शेप कुछ इस तरीके से रहता है, राउंडेड रहता है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें फ्लैकी, तो ये फ्लैकी पार्टिकल कुछ इस तरीके से होते हैं, फ्लैकी पार्टिकल कुछ इस तरीके से आप देखोगे, फ्लैकी पार्टिकल्स थोड़ा सा नुकीले रहते हैं, कहीं पर थिकनेस ज़्यादा कहीं पर कम रहती है, दैट इज कॉल्ड फ्लैकी पार्टिकल। तो जो क्ले का पार्टिकल होता है वो फ्लैकी इन नेचर होता है, इसके बारे में मैंने सॉइल वाले स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में डील किया था। तो क्ले का जो पार्टिकल रहता है कैसा रहता है, फ्लैकी इन नेचर होता है, और जो क्ले होती है हमारी वो कोहेसिव इन नेचर होती है। देखिए एंगुलर कहाँ होता है, एंगुलर आपको ग्रेवल में मिल जाएगा, सैंड में मिल जाएगा, तो एंगुलर वहाँ पे पाया जाता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे जो टेबुलर है, टेबुलर अगर हम बात करें तो टेबुलर जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से उसके डायमेंशन थोड़ा प्लेन होते हैं, कोई कहीं पे सार पेजेस वगैरह नहीं रहती हैं, मतलब ऐसा कहीं पे नैरो कहीं पे थिक ऐसा नहीं रहता है, एक समान स्ट्रक्चर जब उसकी थिकनेस रहेगी तो उसे बोल पाओगे टेबुलर स्ट्रक्चर। तो टेबुलर का एग्जांपल ऐसे लिख सकते हो, और जो फ्लैकी होगा तो इसको क्या बोल पाओगे, ये जो पार्टिकल होगा दैट इज फ्लैकी, क्या रहेगा, फ्लैकी। तो फ्लैकी इज द करेक्ट आंसर फॉर द शेप ऑफ क्ले पार्टिकल, दिस इज द करेक्ट आंसर इज फ्लैकी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है
SSC JEE 2017 में पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू कंबाइन द सिलिका सीट और गिप्साइट सीट। गिप्साइट कब बोलते हैं, जब आप वहाँ पे देखोगे कि सेंटर में जब एल्युमिनियम मेटल होती है तब उसे हम लोग गिप्साइट बोलते थे, और जब सेंटर में कोई मेटल उसके मैग्नीशियम रहती है तो उसे ब्रूसाइट बोलते हैं, और जब आयरन रहता है तब उसे फेराइट बोलते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए। इन कायोनाइट क्ले मिनरल, तो हमने कायोनाइट मिनरल में देखा था कि वहाँ पे जो लेयर होती है आपने देखा था 1:1 रहती है। दिस इज द एल्युमिनियम और दिस इज द सिलिका, इस तरीके से जो बॉन्डिंग बनती है दिस इज सिलिका। तो आप देखोगे ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, तो ये 1:1 लेयर होती है। 1:1 का मतलब है एक ऑक्टाहेड्रल यूनिट रहेगी, सीट रहेगी, और एक आपकी टेट्राहेड्रल रहती है। तो इस तरीके से हम लोग बना पाते हैं क्ले मिनरल। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, नॉट करेक्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पढ़ा था कि इसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, अगला क्ले मिनरल अगर आपका आता है, जैसे सपोज दैट कि एक और क्ले मिनरल है कुछ इस तरीके से आपने ऐड किया, मान लिया दिस द क्ले मिनरल, इस तरीके से आपने ऐडअप किया, तो आप देखोगे कि इसके बीच में जो बॉन्डिंग रहती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। कौन सी रहती है, हाइड्रोजन। हालांकि इतना गैप नहीं रहता, मैंने दिखा दिया, हालांकि इसके बीच में गैप क्लोजर रहता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके बीच में आपकी रहती है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके बीच में रहती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, पहली बात तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिससे इसके अंदर वाटर इजिली इंटर नहीं कर पाता है, तो इसकी जो स्वेलिंग और श्रिंकेज बहुत ही कम होता है, निगलिजिबल होता है, इसकी प्लास्टिक सिटी इंडेक्स कम होता है एज कम्पेयर टू दिस मिनरल दैट इज कॉल्ड मोंटमोरिलोनाइट से कम होता है। कैटायन एक्सचेंज प्रॉपर्टीज की सबसे कम होती है, किसके किसके बीच में मैंने डिस्कस किया था, इलाइट, कायोनाइट और मोंटमोरिलोनाइट, तीनों में मैंने देखा था सबसे कम जो होती है वो किसकी होती है, आपका कायोनाइट का कैटायन एक्सचेंज प्रॉपर्टी। कैटायन का मतलब कैटायन का अदला बदली होता है, ठीक है। कैटायन एक्सचेंज का मतलब होता है कि भाई आप कैटायन मेरा ले लो, आप मुझको दे दो, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने एक ट्रिक और बताई थी कहाँ से याद करने के लिए, कहाँ का मतलब कायनाइट होता है, एच का मतलब हाइड्रोजन होता है, तो KH से याद रख सकते हो कहाँ, तो कहाँ से हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर अगला क्वेश्चन है SSC JEE में पूछा कि देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, मान लिया कायनाइट की बात किया था, मोंटमोरिलोनाइट में कौन सी बॉन्डिंग होती है, वीक वान डर वाल फोर्सेस होते हैं। कायोनाइट की अगर बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। उसके अलावा अगर मैं इलाइट की बात कर लूँ तो इलाइट में आपका होता है पोटेंशियल लिंक या आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 जो कि SSC JEE 2004 में पूछा गया है, क्ले इज जनरली कोहेसिव सॉइल, कोहेसनलेस सॉइल, परमेबल सॉइल, हैविंग लार्ज पार्टिकल साइज। लार्ज साइज पार्टिकल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लार्ज पार्टिकल साइज में तो ग्रेवल आता है या तो सैंड आता है, तो दिस आंसर इज इनकरेक्ट। उसके बाद में परमेबल, अगर मैं बात करूं क्ले की, तो क्ले क्या होती है, लगभग आपकी उसकी परमेबिलिटी निगलिजिबल होती है, 0 के बराबर होती है। नेक्स्ट बात करें कोहेसनलेस, ये तो सैंड होती है, तो करेक्ट आंसर क्या होता है, ए। तो आपका देखोगे कि जो क्ले रहता है वो क्या रहता है, दैट इज कोहेसन, सॉरी क्ले इज कॉल्ड कोहेसिव सॉइल, और जिसका पार्टिकल जो शेप होता है वो फ्लैकी नेचर होता है। कैसा होता है, फ्लैकी इन नेचर, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्ले की प्लास्टिक सिटी सबसे ज़्यादा होती है, और इसके साथ साथ में उसका प्लास्टिक सिटी इंडेक्स भी सबसे ज़्यादा होता है, क्ले की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर सैंड एंड ग्रेवल। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट आपके हो जाते हैं, ठीक है। क्ले आपकी थिक्सोट्रॉपी शो करती है, तो कुछ फाइन ग्रेन प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ा था वो सारी इसमें लागू हो जाती हैं, तो क्ले के बारे में हमने यहाँ पे देखा। आगे हम डील करेंगे कुछ और क्वेश्चन बेहतरीन जिनके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और न्यूमेरिकल इनके क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर देखो यहाँ न्यूमेरिकल तो मिलेगा नहीं, कोशिश करना कि अपने कॉन्सेप्ट अच्छे रखो और क्वेश्चन निकालना हमको है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अगला जो पार्ट है वो हमारा है, कुछ और क्वेश्चंस को हम लेके चलेंगे अपने साथ में, कुछ हम 12-13 क्वेश्चंस करते हैं और उसको हम बारे में डील करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन डील किए, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डील करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, IES 2006 में पूछा गया, तो उसको डील कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि IES 2006 में ये पूछा गया है, 2006 में क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग क्ले मिनरल, कंसीडर द फॉलोइंग
clay mineral. Consider the following clay mineral, clay minerals. जैसे पहला दिया है कायनाइट, कायनाइट या साइलेंट होता है इसको कायनाइट बोलते हैं. दूसरा है दैट इज इलाइट, जो कि सारी प्रॉपर्टीज की इंटरमीडिएट रहते हैं आप जानते होंगे. और थर्ड है मोंट मोरिलो लो नाइट. इस तरीके से क्वेश्चन बताया है, क्लियर. अब उसके बाद में पूछा है सेलेक्ट द इंक्रीजिंग ऑर्डर, सेलेक्ट द इंक्रीजिंग, सेलेक्ट द इंक्रीजिंग, सेलेक्ट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑफ देयर ग्रेन साइज, ग्रेन साइज. ऑर्डर ऐसे दिया है, ये उसका क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है. अगर आप सीखोगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हो. 3-2-1 बी ऑप्शन दिया है, दैट इज 1-3-2, 1-3-2. उसके बाद में सी ऑप्शन है 1-2-3, 1-2-3, ठीक. उसके बाद डी ऑप्शन है दैट इज 3-1-2. इस तरीके से उसने बताया. उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, कुछ ऐसे ही है जो कि आईईएस 2009 में पूछा गया है. अब आपको आईईएस के क्वेश्चन के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, मैक्सिमम मैं खुद ही करा दूंगा. कंसीडर द, कंसीडर द फॉलोइंग क्ले मिनरल, फॉलोइंग क्ले मिनरल, फॉलोइंग द क्ले मिनरल्स. पहला है, फिर से वही बातें, पहला है कायनाइट. आपकी पहले नंबर पे कायनाइट दिया, ठीक. दूसरे नंबर पे मोंटोमोलाइट, मोंट मोरिलो नाइट, ठीक है. उसके बाद तीसरा है दैट इज इलाइट. आपकी बार इंटरचेंज कर दिया, इलाइट को बाहर कर दिया तीसरे नंबर पे. फिर पूछा है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, व्हाट इज द करेक्ट, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस इन एन, इन एन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑफ देयर प्लास्टिसिटी इंडेक्स, देयर प्लास्टिक सिटी इंडेक्स. पहला ऑप्शन है 1-2-3, बॉम्बे ऑप्शन दिया गया है दैट इज 3-2-1, सी दैट इज 1-3-2, और डी बोला है दैट इज 3-1-2, ठीक है. इस तरीके से ऑप्शन बनाए गए, क्लियर. कुछ और क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो मैं उनको भी कवर अप करता हूँ, ठीक है. आगे हम कवर करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं. पहले ये दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक. क्या कह रहा है आईईएस 2006 में आया है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है. कंसीडर द फॉलोइंग क्ले मिनरल, इनके बारे में उसने बताया क्या है. कायनाइट है, इलाइट है, मोंट मोरिलो नाइट है. अब सेलेक्ट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ग्रेन साइज. मैं जब वहाँ पे डील कर रहा था ग्रेन साइज के बारे में अच्छे से बताया था. सबसे बड़ा जो ग्रेन साइज होता है वो आपका कायनाइट का होता है. उसके बाद में इंटरमीडिएट लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो इलाइट का होता है. और सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है ग्रेन वो होता है मोंट मोरिलो लाइट. क्योंकि देखिए ये सबसे ज़्यादा स्वेल करता है, सबसे ज़्यादा वाटर जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है इसी की होती है. जब वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जब ज़्यादा इसकी इसलिए होती है क्योंकि इसका पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा फाइनर रहता है, बहुत ज़्यादा छोटा रहता है. और जिसका पार्टिकल छोटा होगा उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है. और जिसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. उसमें नंबर ऑफ वाइड्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे. ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ वाइड्स ज़्यादा होंगे, वाइड का साइज बड़ा नहीं होगा. और जिसमें नंबर ऑफ वाइड्स ज़्यादा होते हैं उसके वॉल्यूम में चेंज भी क्या होता है, ज़्यादा होता है. तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ये क्ले मिनरल है इसका साइज सबसे छोटा होता है.
अब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना जरूरी है, इंक्रीजिंग पूछा या डिक्रीजिंग पूछा है इसको अच्छे से आपको एग्जाम में ध्यान देना जरूरी है। इसने क्या पूछा है? इंक्रीजिंग पूछा है। जब ये इंक्रीजिंग पूछा है तो इसका मतलब यह है सबसे कम वाला पार्टिकल सबसे पहले लिखना है, उसके बाद दूसरा लिखना है, उसके बाद तीसरा लिखना है। तो खास बात एक और बता दें, ये वाला जो इलाइट है ये सबसे बीच में रहने वाला पार्टिकल है। अब ये बीच में रहेगा तो आप ये बताओ दूसरा वाला ऑप्शन सबसे बीच में कहाँ कहाँ है? एक तो यहाँ पे दिख रहा है और एक तो यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब है फिर ये ऑप्शन नहीं हो सकता और डी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इलाइट को मैंने बताया था कि सारी प्रॉपर्टी जो है इसकी इंटरमीडिएट रहते हैं। कैसी रहते हैं? इंटरमीडिएट। तो ये तो नहीं हो सकता। अब हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को लगा लेते हैं, सबसे छोटा पार्टिकल 3 होगा, उसके बाद में 2 होगा, उसके बाद 1 होगा, तो इस तरीके से हो जाएगा आंसर। तो आपको ध्यान रखना है कि उसने किसके बारे में पूछा। अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछता तो पहला 1 होता, 2 होता, फिर 3 होता, लेकिन उसने क्या पूछा? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग का मतलब होता है कम से ज़्यादा की तरफ जाना, और डिक्रीजिंग का मतलब होता है ज़्यादा से कम की तरफ आना। सारी बातों को समझना जरूरी होता है। आप पढ़ने में बहुत तेज हैं, सब कुछ आता है, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो तब दिक्कत है आपको, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझना जरूरी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज आगरा। नेक्स्ट अगर बात करूं, कंसीडर द फॉलोइंग क्ले मिनरल्स, ये फिर से क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन सारे वही हैं, घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट चेंज कर रहा है वो, और सब आईएएस में पूछा है। आईएएस 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर द फॉलोइंग क्ले मिनरल्स, पहला है कायनाइट, फिर है मोंट मोरिलोनाइट, उसके बाद में इलाइट। व्हाट इज द करेक्ट सिक्वेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, अंडरलाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्लास्टिक सिटी इंडेक्स। अब पहले तो ये जान लो कि प्लास्टिक सिटी आईपी होता है, इंडेक्स होता है, दैट इज WL-WP। इसका मतलब जिसकी लिक्विड लिमिट जितनी ज़्यादा होगी, जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसका प्लास्टिक सिटी इंडेक्स क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। अब इसका मतलब अगर आप ये WL बढ़ाओगे तो इसका IP भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक। तो अब हम ये देख लेते हैं कि किसके केस में आपका वाटर होल्डिंग सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा किसके केस में होता है? कि जिसका वीक वंडरवाल होगा फोर्स उसमें इंटर करेगा, और सबसे ज़्यादा किस में होता है? मोंट मोरिलोनाइट में होता है। तो आप ये देख पाओगे कि इसमें क्ले मिनरल लिखे गए, सबसे ज़्यादा पूछा, सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ये पूछा है कि सबसे कम से ज़्यादा की तरफ आपको जाना है। तो सबसे कम किसका होगा? कायनाइट का होगा, उसके बाद इलाइट का होगा, फिर किसका होगा? मोंट मोरिलोनाइट का होगा। तो आप ये देख लीजिए कि तीसरा जो इलाइट है वो इंटरमीडिएट होना चाहिए। जब इलाइट इंटरमीडिएट होना चाहिए तो तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है ये हमेशा बीच में होगा। तो तीसरे नंबर का ऑप्शन बीच में जहां दिख जाए बस वही आंसर सही मानो। तो देखो तीसरे नंबर का ऑप्शन यहां पे भी नहीं तो ये भी गलत, तीसरे नंबर का बीच में यहां पे भी नहीं तो ये भी गलत, उसके बाद सी नंबर में है तो ये सही हो सकता है, डी में नहीं है तो ये भी गलत हो गया। अब देखो मैं एक बात आपको बता दिया कि इलाइट की सारी प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट लाई करती हैं। इसका मतलब है कि जिसके बीच में एकदम इलाइट रहेगा, बीच में जो ऑप्शन इलाइट का रहेगा वही आंसर आपका ज़्यादातर केसेस में सही होगा। लेकिन अपने कॉन्सेप्ट से भी समझ लेते हैं, सबसे कम प्लास्टिक सिटी किसकी होगी? कायनाइट की होगी। उसके बाद किसकी सबसे उस कायनाइट के बाद में प्लास्टिक सिटी किसकी ज़्यादा होती है? इलाइट की। और सबसे ज़्यादा जो है प्लास्टिक सिटी किसकी होती है? आपकी मोंट मोरिलोनाइट को। तो इसको मैंने किसने नंबर पर रख दिया? दूसरे नंबर पे। तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, अगर आपने थ्योरी क्लास समझ जाओगे तो फिर वहाँ से चीज़ें कर ले जाओगे। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आगे के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है? तो प्लास्टिक सिटी इंडेक्स आपको समझ में आ गया क्या होता है? WL-WP होता है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है? अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, आगे के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे हम डील करेंगे, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर आपका 7 आएगा, उसको डील करते हैं। एक एक करके क्वेश्चन डील करेंगे, अच्छे से डील करेंगे और क्लियर करेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन अगर क्लियर हो जाएंगे तो फिर बार बार थ्योरी भी नहीं पढ़नी पड़ती, क्योंकि देखिए क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। कई बार क्या होता है कि हम थ्योरी को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एलिमिनेशन ऑप्शन से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी इसको एलिमिनेट किया कि भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने आपको बताया कि इलाइट की प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट होती है, तो वो बीच में सारी प्रॉपर्टी उसकी लाई करती हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप उसको कर पाओगे। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं उसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी तक हमने डील किया 6 क्वेश्चन, नेक्स्ट है 7 नंबर। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स ईएस 2006 फिर से पूछा गया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है 2010 में, मतलब 2006 और 2010 में जो क्वेश्चन आया वो रिपीट हुआ है। क्या कहा है? कंसीडर द, देखो ईएस के क्वेश्चन लगाने के बाद आपको एसएससी तो और आसान लगेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
स्टेटमेंट्स, ठीक है, क्या है क्वेश्चन में? पहला बोला है माइका इज अ क्रिमिनल, माइका इज अ क्ले मिनरल, ये बात आपको पता करना है कि सही है या गलत। दूसरा बात करते हैं द शेप ऑफ क्ले पार्टिकल, द शेप ऑफ क्ले पार्टिकल, द शेप ऑफ क्ले पार्टिकल्स इज यूजुअली फ्लैकी। अभी हमने डील किया था कि क्ले का जो पार्टिकल होता है कैसा होता है, फ्लैकी होता है। कैसा होता है? फ्लैकी होता है। तो ये बात तो एकदम सही निकल गई। तीसरी बात अगर हम करें, अ पार्टिकल ऑफ कायनाइट, अ पार्टिकल ऑफ कायनाइट, अ पार्टिकल ऑफ कायनाइट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज, इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। इलेक्ट्रिकली क्या है? चार्ज्ड है। पहला है ए, दैट इज 1, 2 and 3। बी ऑप्शन है, दैट इज 1 and 3 ओनली। सी ऑप्शन है 2 and 3 ओनली। और डी ऑप्शन बोला है ओनली 2, ओनली 2। ठीक है, तो इसने क्या बताया? कायनाइट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज। बिल्कुल, मैंने पढ़ा था कायनाइट के बारे में, डील भी किया था वहाँ पे। तो वहाँ पे आपने क्या देखा था कि जो आंसर हमारा निकल के आया था वहाँ पे, जिस केस में हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे आपने क्या देखा था कि जो सिल्का था, सिल्का केस केस में Si4+ आया था, तो +4 आया था, प्लस माइनस टोटल 6 आया था, डिवाइड बाई 2 किया था मैंने, प्लस नीचे शेयरिंग हो रही थी जो चार्ज की, -2, इस तरीके से हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे आंसर जो आया था -1। तो कायनाइट के केस में टोटल जो चार्ज आया था वो -1 आया था। ठीक, जो सिल्का सेट में हमने देखते हैं वहाँ पे -1 आया था, क्योंकि वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था कि जो कायनाइट होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 1:1 लेयर होता है। तो वहाँ पे सिल्का होता है और एल्युमिनियम होता है, तो वहाँ पे जो है या तो -1 या तो +1 आ सकता है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, एक ऑक्टाहेड्रल शीट थी और एक आपकी टेट्राहेड्रल शीट थी। जब सिल्का शीट थी तो वहाँ पे नेट चार्ज -1 आता है। जब हम उसके केस में पढ़ने जाते हैं, दूसरा केस जो ऑक्टाहेड्रल एल्युमिनियम शीट होती है, तो वहाँ पे आपने देखा था कि +1 आता है। तो इसने क्या पूछा है हमसे कि प्रैक्टिकली द पार्टिकल ऑफ कायनाइट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज। हाँ, चार्ज रहता है, ये बात सही है। ठीक है, तो ये चार्ज रहता है। दूसरी बात कि जो शेप ऑफ द फ्लैकी पार्टिकल इज यूजुअली फ्लैकी, एकदम सही, क्योंकि फ्लैकी पार्टिकल ही रहता है क्ले का। तो इसका मतलब ये दो बातें तो एकदम सही हैं। तीसरी पार्ट को देखते हैं, पहला पार्ट देखते हैं, माइका इज अ क्ले मिनरल। मैंने बताया था कि शुरुआत की क्लास में जब डील किया था तो जो माइका था वो नॉन क्ले मिनरल था। जो आपके क्ले मिनरल पाए जाते हैं वो तीन ही चार रहते हैं, एक तो आपका इलाइट रहता है, कायनाइट रहता है और मोंटमोरोलाइट रहता है। यही आपके जो तीन क्ले मिनरल होते हैं मेनली। उसके अलावा ये माइका जो होता है इसके थ्रू वो बनता है। तो ये आपका माइका इज नॉट अ क्ले मिनरल, तो दिस इज द इनकरेक्ट, तो दिस इज द इनकरेक्ट। अगर वन इनकरेक्ट हो गया तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, बच्चा देखिए, जब वन गलत हो गया तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। दो चीज़ें बचती हैं, 2 and 3 हो सकता है एंड 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखोगे 2 भी सही है और 3 भी सही है, तो करेक्ट आंसर इज द 2 and 3। तो इस तरीके से हम लोग IAS के क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन करने के बाद आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा, तो आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर एट है, जो कि IAS में पूछा गया है, ये भी IAS का है। ये assertion रीजन का क्वेश्चन है, assertion ए से डिनोट करते हैं। assertion का मतलब अपना कथन कहना। कथन का मतलब ये है कि ब्लैक कॉटन सॉइल्स आर क्लेज, ये क्लेज होती हैं, एंड दे एग्जिबिट मतलब प्रदर्शित करते हैं। एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, एग्जिबिट दैट इज करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ स्वेलिंग। और रीजन इसने बताया क्या ऐसा कारण है
जिसकी वजह से ऐसा इसके साथ होता है, क्यों इसकी स्वेलिंग? दीज क्लेस कंटेन्स, ऐसे क्वेश्चन जानना जरूरी होता है, क्योंकि रीजन जब पता हो जाता है ना, तो इससे हमें क्या होता है कि चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में पता चल जाती हैं. मोंट मोरेलो नाइट विच अट्रैक्ट्स एक्सटर्नल वाटर इट्स लैटिस स्ट्रक्चर. एकदम सही है. देखिए क्या होता है, एक बात समझना, एसर्शन और रीजन का मतलब ऐसे क्वेश्चन इसलिए मैं डील कर रहा हूँ ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाए. कई बार क्या होता है, क्वेश्चन तो ऐसा नहीं आएगा लेकिन इससे रिलेटेड बातें जरूर पूछेगा. क्या है, ब्लैक कॉटन सॉइल्स आर क्ले एंड दे एग्जिबिट द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ स्वेलिंग एंड श्रिंकेज. स्वेलिंग की जगह स्वेलिंग है, एंड श्रिंकेज भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एंड श्रिंकेज भी हो लिख लो इसको, ठीक है. स्टेटमेंट को मैंने ऐड कर दिया. ये बात एकदम सही है कि जो आपका ब्लैक कॉटन सॉइल होता है उसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होती है. अब क्यों होती है इसको थोड़ा देखते हैं. रीजन, दिस क्ले कंटेन्स मोंट मोरेलो नाइट क्ले मिनरल विच अट्रैक्ट्स द एक्सटर्नल वाटर इट्स लैटिस स्ट्रक्चर मैंने जो बनाया था, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था दैट इज लैटिस स्ट्रक्चर. अगर आप देखोगे दिस इज द स्ट्रक्चर, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है ये. और इसके बाद में आपको बताया था कि जो बीच में वीक वंडरवाल फोर्स की वजह से वाटर क्या होता है कि इसके बीच में इंटर कर जाता है. जब वाटर इंटर कर जाता है तो आप देखोगे दिस इज द वाटर इंटर कर गया, तो ये वाटर जो अट्रैक्ट होता है लैटिस स्ट्रक्चर के बीच में, क्योंकि यहाँ पे मोंट मोरेलोनाइट क्ले मिनरल है और इसके अंदर वीक वंडरवाल फोर्स होता है, वाटर इजिली इंटर कर जाता है, इस वजह से उसको बोलते हैं दैट इज स्वेलिंग प्रॉपर्टी. और वाटर निकलेगा भी आसानी से, क्योंकि जो चीज़ आसानी से इंटर करती है वो आसानी से निकलने के लिए भी तैयार रहती है. क्योंकि देखिए जिसका रास्ता बहुत आसान होगा इंटर करने का वो चीज़ निकल भी सकती है आसानी से. तो इसका मतलब है कि जब गर्मी पड़ेगी, जब ड्राई सीजन होगा, तो ये मॉइस्चर क्या होगी, बहुत जल्दी एटमॉस्फेयर में जा सकती है, इसका इवेपोरेशन बहुत जल्दी होगा. इसका मतलब ये हुआ कि ये श्रिंक भी करेगा बहुत जल्दी. तो श्रिंकेज की प्रॉपर्टी कब आती है, जब मॉइस्चर को क्या करते हो, कम करते हो. तो इसका मतलब ये बात एकदम सही है. तो ए असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज आल्सो करेक्ट, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, एसर्सन का. ये बात एकदम सही है. जब आप उसका डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे चार ऑप्शन में क्वेश्चन दिया होता है. पहला ऑप्शन होता है एसर्सन इज करेक्ट, रीजन इज आल्सो करेक्ट, और एसर्सन एंड रीजन में अगर एक बात और बोलता है कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्सन. दूसरा ये बोलता है कि दूसरा ऑप्शन में बी ऑप्शन क्या देता है, एसर्सन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्सन. तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है, सी एसर्सन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग. चौथा ऑप्शन बोलता है एसर्सन इज रॉन्ग और आपका रीजन इज करेक्ट. तो इस तरीके से चार ऑप्शन बना सकता है. तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान देना चाहिए. आगे हम डील करेंगे कुछ और क्वेश्चन जिनके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है, ठीक है. तो कुछ और क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं, ठीक. नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा देख लेते हैं, वो भी पूछे गए हैं. देखिए ये सब क्वेश्चन डील करने से आपको ये टॉपिक जो है ना एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, और जब दिमाग में एक बार बैठ जाती चीज़ें फिर निकलती नहीं हैं, फिर तो आपके एग्ज़ाम में एकदम सीधे ऑप्शन के सामने रहेगा, एकदम आराम से आप कर सकते हो, ठीक है. तो क्वेश्चन डील करना बहुत ही ज़रूरी है. जो भी टॉपिक पढ़ते जाएंगे, अभी हमने ये कवर किया, फिर अगला टॉपिक कॉम्पैक्शन से डील करेंगे, तो कॉम्पैक्शन में भी हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पैक्शन में भी क्वेश्चंस को करेंगे. एक फ्रेंड्स क्वेश्चन है मैचिंग का है, जो कि IES में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैचिंग है, और जो कि IES में पूछा गया. कहाँ पूछा गया, IES 2010 में पूछा गया. देखिए ये क्वेश्चन आपके अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा. एक लिस्ट वन है और एक लिस्ट टू है. इस तरीके से दिया गया है. पहला है ए में, दैट इज कोर्स ग्रेन सॉइल, और उसके सामने वन ऑप्शन में दिया है फ्लकुलेटेड. पहला जो है वो दिया है फ्लकुलेटेड. नेक्स्ट बात करूं सिल्ट डिपॉजिट, बी ऑप्शन
दैट इज सिल्ट डिपोजिट। और सिल्ट डिपोजिट में कोहेसिव मैट्रिक्स है, दूसरा ऑप्शन में बताया है, मैचिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोहेसिव मैट्रिक्स, ठीक है, कोहेसिव मैट्रिक्स। और सी बोला है क्ले डिपोजिट, क्ले डिपोजिट। और उसके बाद में स्ट्रक्चर है हनीकॉम, हनी कॉम। फिर है कंपोजिट सॉइल, कंपोजिट का मतलब है कई तरीके के उसमें क्या है, सॉइल है। कंपोजिट का मतलब एक से दो सॉइल मिक्स है, सिल्ट प्लस क्ले भी हो सकता है, कंपोजिट सॉइल। कंपोजिट का मतलब क्या है, दो तीन सॉइल का मिक्सचर है। लास्ट ऑप्शन है दैट इज सिंगल ग्रेन, सिंगल ग्रेन सॉइल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम 9 डील कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9। अब इसको आपको मैच कराना, मैं ऑप्शन नहीं बना रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन होगा, मैं जनरली आंसर ही बताऊंगा। कोर्स ग्रेन सॉइल में जो होता है वो ज़्यादातर आपका कैसा स्ट्रक्चर होता है, सिंगल ग्रेन। तो आप लिख सकते हो कि ए का जो 4 आंसर होगा वो आपका सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद सिल्ट डिपोजिट है, उसके बाद में आपका देखिए क्ले डिपोजिट में आपने मैंने क्या बताया था कि जो वहाँ पे स्ट्रक्चर होता है वो फ्लकुलेंट होता है, ठीक है। तो आप क्ले के केस में देखो क्या है, सी का आप लगा सकते हो फर्स्ट, तो सी का मैंने क्या लिख दिया 1, फिर मुझे लगाना है बी और फिर लगाना है डी। तो आप देखोगे ए का 4, बी का अभी नहीं पता, सी के बारे में देखा क्ले का जो हो सकता है वो ये आंसर हो सकता है क्या, फ्लकुलेंट हो सकता है। अब सिल्ट डिपोजिट रह जाता है, और उसके बाद हाँ सिल्ट डिपोजिट में अगर आप देखोगे तो हनी कम स्ट्रक्चर बनता है, क्यों, क्योंकि देखो सिल्ट में क्या है कि उसका पार्टिकल क्ले से तो बड़ा होता है, प्लस कुछ ना कुछ कोहेशन होता है। अब जब थोड़ा बहुत कोहेशन होता है तो उसकी वजह से इसका हनी कम स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाता है। अगर आप देखोगे तो इसका हनी कम स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाता है, हनी कम स्ट्रक्चर आपका बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका बन जाता है, तो कुछ कोहेशन होता है इसमें, दो फोर्स लगते हैं हनी कम स्ट्रक्चर में, एक तो कोहेसिव फोर्स जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज सरफेस फोर्स होता है, और दूसरा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो हनी कम में दो फोर्स होते हैं, सिंगल ग्रेन जो पार्टिकल होता है जैसे ग्रेवल और सैंड में होता है, जिसमें आपको देखोगे कि सिर्फ जो है ग्रेविटी काम करती है, उसमें भी कोई भी सरफेस चार्ज या सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज काम नहीं करता है। तो आप देखोगे कि जो सिंगल ग्रेन होता है वो केवल कोर्स ग्रेन सॉइल में होता है, तो इतना आपको ध्यान देना है। और जो फ्लकुलेंट स्ट्रक्चर होता है क्ले का, उसमें सिर्फ सरफेस चार्जेज होते हैं, ग्रेविटी काम नहीं करता है, वो आपस में कोहेशन के कारण क्या होते हैं, अटैच होते हैं, बंधे हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव। अब बात करते हैं कंपोजिट सॉइल की, तो इसका मतलब ये हुआ बी का हो जाएगा 3, तो बी का मैंने लिख दिया 3, और बचता है डी, डी को मिला दीजिए किसके साथ, दूसरे के साथ, तो डी के साथ 2। इसका मतलब कंपोजिट सॉइल में कौन सा स्ट्रक्चर होगा, कोहेसिव मैट्रिक्स होगा। मतलब कंपोजिट का मतलब यह हुआ कि भाई आपके पास सिल्ट भी है, क्ले भी है, सैंड भी है, तो आपस में देखे होगे कि जो लोम सॉइल होती है वो आपस में चिपकी रहती है, क्योंकि लोम सॉइल में तीनों का मिक्सचर होता है, सैंड सिल्ट प्लस क्ले होता है। तो इसे बोलते हैं मैट्रिक्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ अ लोम सॉइल, लोम सॉइल दैट इज लोम सॉइल, और लोम सॉइल मिक्सर होता है किसका, सैंड प्लस सिल्ट प्लस क्ले। तो कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी हम लोग क्या करेंगे, ब्रशअप करेंगे ताकि और सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाए, ठीक है। हनीकम की अगर मैं बात करूँ तो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल होता है, उसके अलावा सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, कौन सा होता है, सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना चाहिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं बताऊँगा क्योंकि आपने पहले से लेक्चर को कवरअप कर लिया होगा, तो वहाँ से चीज़ें डील कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, और कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, फिर से थोड़ा सा डील करेंगे उसके बारे में, तो अच्छा क्वेश्चन है उसके थोड़ा सा बारे में हम लोग डील करते हैं। ये भी IES में एक और क्वेश्चन पूछा, बेहतरीन क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डील करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डील करते हैं। तो आप देखोगे क्वेश्चंस अगर आप एक बार अच्छे से क्लियर हो जाता है, अगर आप थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका थ्योरी में अच्छे से मन लग रहा है, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर तब भी नहीं क्लियर है तो आप कोशिश करिए कि उसको बार बार, अगर आपको वीडियो में दिक्कत आ रही जहाँ पर समझने में, जब तक कॉन्सेप्ट ना क्लियर हुआ करे आगे बढ़ा ही ना करो, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। फिर पूछा है अगला है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि 2017 में पूछा गया है, यह है विच IES का क्वेश्चन है 2017, क्या पूछा है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट
which statement is correct given below. जैसे पहला स्टेटमेंट है फर्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है दैट इज एट श्रिंकेज लिमिट. अब ये क्वेश्चन वहां से जोड़ा है एट श्रिंकेज लिमिट. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब. एट श्रिंकेज लिमिट द सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड. उसके बाद स्टेटमेंट टू बोला है दैट इज स्टेटमेंट टू कह रहा है दैट इज मोंट मोरिलो नाइट क्ले मिनरल आर नॉन एक्सपेंसिव. देखो कितनी बड़ी बात बोल दिया इसने, नॉन एक्सपेंसिव. ऐसा लगता है कि हम जानते नहीं कुछ है. अरे भैया तुमने नॉन एक्सपेंसिव बोल दिया. नॉन एक्सपेंसिव का मतलब है नॉन स्वेलिंग, क्योंकि एक्सपेंसिव का मतलब होता है एक्सपेंशन. एक्सपेंशन का मतलब वैल्यूम चेंज होना. तो नॉन एक्सपेंसिव एग्जाम में दिया, इसको आपको समझना है कि नॉन एक्सपेंसिव का मतलब है कि उसके वैल्यूम में कोई चेंज नहीं होना. लेकिन अभी हमने इसके बारे में डील किया था. लेकिन क्वेश्चन कैसे बना है, पहला ऑप्शन है ओनली वन, दूसरा ऑप्शन बोला है ओनली टू, सी ऑप्शन बोला है बोथ वन एंड टू और डी ऑप्शन बोला है नाइदर वन. ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं नाइदर वन नॉर टू. तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम को वो पूछ लेता है. तो फ्रेंड्स अगले हम क्वेश्चंस के बारे में और डील करते हैं. एक क्वेश्चन और है जो कि एसएससी जेई में पूछा गया है, 11 नंबर बात करते हैं, उसके बाद भी इसको साथ में लेते हैं. Which one of the following does not possess का मतलब रखना होता है, उसकी प्रॉपर्टी है प्लास्टिक सिटी क्वेश्चन मार्क. ठीक है, पहला है बेंटोनाइट, बी ऑप्शन है कैवनाइट और सी ऑप्शन है फैट क्ले. अब सब नाम देता है आपको, बेवकूफ बनाएगा एग्जाम में, लेकिन आपको पहचानना है उसको. रॉक पाउडर. ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है दैट इज द कैटायन एक्सचेंज प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम इन. पहला ऑप्शन है इलाइट, दूसरा ऑप्शन है कैवनाइट और सी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है दैट इज हेलियोसाइट और डी ऑप्शन जो दिया गया है दैट इज मोंट मोरिलो लो नाइट. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर हमने बात किया 12, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, और ये है एसएससी जेई में आईएएस में ये क्वेश्चन पूछा गया. अब बात करते हैं विच स्टेटमेंट इज गिवन द करेक्ट. पहला है एट श्रिंकेज लिमिट सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड. मैं अगर डायग्राम की बात करूं, थोड़ा सा याद दिलाता हूं आपको फिर से. इस साइड में मैंने वॉल्यूम लिखा था और इस साइड में वाटर कंटेंट लिखा था. फिर आपको एक डायग्राम याद आया कि जिस तरीके से हमने बनाया था. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो है दिस इज़ द डब्ल्यू एस था, यहाँ पे डब्ल्यू पी था, यहाँ पे डब्ल्यू एल था, इसके बारे में हमने डील किया था. तो इस पॉइंट पे एस इज इक्वल टू क्या था, 1. तो आप देखोगे एट श्रिंकेज लिमिट द सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड. तो ये है इसकी श्रिंकेज लिमिट इस पॉइंट के आसपास, जिसके बिलो है इसका वैल्यूम चेंज नहीं होता है. जो ड्राई वैल्यूम होता है वो चेंज नहीं होता है. तो बिलो द श्रिंकेज लिमिट वैल्यूम इज कॉन्स्टेंट डज नॉट चेंज.
या श्रिंकेज लिमिट पे आप देखोगे जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है वो आपका 100% सेचुरेशन होता है, दैट इज एस इजकल टू 1। तो करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट, एकदम करेक्ट है, पहला इज करेक्ट। नेक्स्ट है मोंट मोरलोनाइट क्ले मिनरल आर नॉन एक्सपेंसिव। ये तो बहुत बड़ी बात उसने बोल दिया। अरे भैया नॉन एक्सपेंसिव कैसे होता है, मैंने इतना थ्योरी डील किया है, एक्सपेंसिव होता है। तो दिस इज द इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। लेकिन हमसे एग्जाम में पूछा क्या था, करेक्ट पूछा था। यहाँ ध्यान से पढ़ना जरूरी है कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। अगर करेक्ट पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा, अगर इनकरेक्ट पूछता तो ये वाला आंसर होता है। तो आपको एग्जाम में अच्छे से पढ़ना जरूरी है। फिर अगला क्वेश्चन जो कि आईएएस एसएससी जेई में पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पॉसेस, पॉसेस का मतलब होना, उसके पास होना, पॉसेस प्लास्टिक सिटी, किसके पास प्लास्टिक सिटी नहीं होती है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, बेंटोनाइट, बेंटोनाइट कुछ भी नहीं होता, ये वॉल्केनिक ऐश होती है और इसमें पानी मिलने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा क्या होती है आपकी, इसमें कोहेशन आ जाता है। तो बेंटोनाइट जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा कोहेशन होता है। उसके बाद बात करें कायोनाइट, कायोनाइट इज द क्ले मिनरल, कायोनाइट क्या होता है, एक क्ले मिनरल होता है। तो क्ले मिनरल में भी होता है, तो इसमें इसका मतलब है कि प्लास्टिक सिटी तो इसमें पाई जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं फैट लाइम, तो फैट क्ले की बात कर रहे हैं, तो फैट क्ले का मतलब एक क्ले है और क्ले में प्लास्टिक सिटी तो पाई ही जाती है। इसका मतलब ये भी आंसर क्या होगा, नहीं होगा, और ए बी सी सारे ऑप्शन नहीं हो पाएंगे। तो बचा क्या, डी ऑप्शन, दैट इज रॉक पाउडर। रॉक पाउडर में जो है बहुत सारा मिक्सर होता है, सैंड का, ग्रेवल का, सबका मिक्सर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रॉक पाउडर। तो करेक्ट, अगर अप्रोप्रिएटली आंसर अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रॉक पाउडर। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राख का पाउडर का मतलब है एक डस्ट पार्टिकल जैसे ही रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द कैट, बेंटोनाइट के बारे में हमने बहुत अच्छे से डील किया था जब ब्लैक वाटन सॉइल पढ़ाया था वहाँ पे। कायोनाइट के बारे में आप जानते हो। फैट क्ले का मतलब है क्ले का परसेंटेज ज़्यादा होना। नेक्स्ट बात करते हैं द कैटायन एक्सचेंज प्रॉपर्टीज मैक्सिमम, कैटायन एक्सचेंज की प्रॉपर्टी उसी की अच्छी होगी जिसका बॉन्ड वीक होगा। बॉन्ड किसका वीक होता है, मोंट मोनोलाइट का वीक होता है। तो इसका मतलब कैटायन का एक्सचेंज सबसे ज़्यादा किस में होगा, मोंट मोनोलाइट में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें द कैटायन एक्सचेंज प्रॉपर्टीज मैक्सिमम इन इलाइट, कायोनाइट, हेलोसाइट, मोंट मोरिलोनाइट, तो दिस इज द करेक्ट आंसर इज द डे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, क्योंकि ये देखो हमने बनाया, इसके अंदर वाटर बहुत जल्दी इंटर करेगा, तो ये कैटायन एक्सचेंज की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है, तो ये होती है आपकी मोंट मोरिलोनाइट। उसके बाद सबसे कम किस में होती है, कायोनाइट में, और इंटरमीडिएट किस में होती है, इलाइट में होती है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी हो जाता है। अब हम लास्ट के 2-3 क्वेश्चन और करेंगे और अपने टॉपिक को एंड करेंगे। ठीक है, आप देखोगे कि क्वेश्चन कितने बेहतरीन हैं, कितने सही हैं, कि अगर आप ये कर ले जाते हो तो फिर आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे अगले हम 2 क्वेश्चन और डील करेंगे, इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे थ्योरी में, थ्योरी ऑफ कॉम्पैक्शन, और वहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या कहते हैं कि थ्योरी के साथ साथ वहाँ पे भी न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई लेवल पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईएस लेवल पर भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कॉम्पैक्शन को बहुत ही अच्छे से डील करना है। जितना इंपॉर्टेंट सॉइल में अदर चैप्टर है उतना ही ज़्यादा आपका कॉम्पैक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स हम लोग कुछ और क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं जो कि पूछे गए हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, द ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, द ब्लैक कॉटन सॉइल। देखिए जब हम क्ले मिनरलॉजी पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे आपको हमने जब क्ले मिनरल मोंट मोलोलाइट के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम थोड़ा सा एक बात भूल गए थे कि ये ब्लैक कॉटन में पाया जाता है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर कौन सा पाया जाता है, मोंट मोरलोनाइट क्ले मिनरल पाया जाता है। ये टॉपिक मैंने सबसे पहले लेक्चर नंबर अगर आप 3 में जाओगे तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से बताया था। अब आप इसको लिंक करा लेना ये क्ले मिनरल से, तो आपको वो टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ब्लैक, द ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल पहला ऑप्शन है, ब्लैक कॉटन सॉइल में पहला ऑप्शन दिया है स्वेल एक्सेसिवली का मतलब बहुत ज़्यादा, व्हेन वेट, जब ये गीली होती है, गीली का मतलब यहाँ पे वेट, बरसात होती है तब ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब वैल्यूम में एक्सपेंशन होता है, अंडरगोज वैल्यूमेट्रिक चेंज। नेक्स्ट है अंडरगोज वैल्यूमेट्रिक चेंज। नेक्स्ट अगर बात करें सी, श्रिंक एक्सेसिवली
एक्सेसिवली व्हेन ड्राई, ठीक है। उसके बाद में डी ऑप्शन है, दैट इज ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। तो आपको तो सारी प्रॉपर्टी पता है, अभी हमने डील किया था। जब ये वेट होगी तब आप देखोगे इसका वैल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, ये जो वैल्यूम आपको दिखाई पड़ रहा है ये एक्सपेंड कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब वाटर इंटर करेगा तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। जब यही वाटर जब इंटर किया तब ये एक्सपेंड कर गया, लेकिन यही वाटर जब आप बाहर निकालोगे जब ड्राई कंडीशन होगी तो ये वैल्यूम क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो आप देख पाओगे कि इसका पहला ऑप्शन है स्वेल, जब एक्सेसिवली व्हेन वेट, जब बरसात होती है तो ये क्या कर जाती है, स्वेल कर जाती है। उसके बाद अंडर गोज वैल्यूमेट्रिक चेंज, इसका मतलब ये वैल्यूमेट्रिक चेंज का मतलब है जब स्वेल करता है तो इसका वैल्यूम बढ़ जाता है, तो वैल्यूमेट्रिक क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें श्रिंक, श्रिंक का मतलब है कि उसके वैल्यूम में कमी हो जाती है, श्रिंक का मतलब होता है चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं। तो श्रिंक करेगा व्हेन, जब एक्सेसिवली व्हेन ड्राई, जब इसमें से पानी निकाल लोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यूम कम पड़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है वैल्यूम कम करना है, तो ड्राई कंडीशन में क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। और लास्ट में एक ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द एबव, अब ये तीनों बातें ऊपर की सही है इसलिए हमको ऑप्शन में लगाना पड़ेगा ऑल ऑफ द एबव। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है द आयनिक बॉन्डिंग, द आयनिक बॉन्डिंग आर पोटेशियम लिंक, पोटेशियम लिंक इज प्रेजेंट इन विच क्ले मिनरल, इन विच क्ले मिनरल, ठीक है, इन विच क्ले मिनरल। पहला बोला है दैट इज इलाइट, दूसरा ऑप्शन है दैट इज मोंटोमोरिलोराइट, मोंट मोरिलो नाइट, और सी ऑप्शन कह रहा है दैट इज कायोनाइट, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है दैट इज कायोनाइट, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो हमने क्या पढ़ा था, जब 2:1 लेयर बनाया था, मान लेते हैं इसको, क्योंकि हमने देखा था जो कायोनाइट था वो 2:1 लेयर थी, ठीक। तो 2:1 लेयर थी तो आप देखोगे कि इसमें कि 2 का मतलब ये होता है 2 टेट्राहेड्रल, दैट इज सिलिका, दिस इज द एल्मुना एक्टाहेड्रल सिलिका। तो वहाँ पे भी जो था इसके बीच में जो बॉन्डिंग होगी, अभी तक हमने ब्लैक कॉटन का डिस्कस किया, अब हम बता रहे हैं इलाइट के बारे में। तो इसके बीच में एक पोटेशियम लिंक होती है जिसको हम लोग K+ बोलते हैं, इसका मतलब इसके बीच में आयनिक बॉन्डिंग होती है। तो आयनिक बॉन्डिंग जो पाई जाती है वो इलाइट में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, इलाइट में। तो आप इसको लिख सकते हो कि जो इलाइट होता है उसमें ऐसा होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिस द इलाइट। तो इलाइट में आयनिक बॉन्डिंग या पोटेशियम लिंक होती है, और उसके बाद जो कायोनाइट होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जो मोंटमोरिलोलाइट होता है उसमें आपका क्या होता है, वीक वंडरवाल फोर्स होते हैं। अब फ्रेंड्स एक और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज 15 नंबर क्वेश्चन, इन विच या ऐसा बोल सकते हो, एक और क्वेश्चन है मैं अपने तरफ से बना रहा हूँ, Which clay mineral is known as China clay? क्या बोलते हैं China clay? बहुत ज़्यादा important है exam के लिए। China clay, कौन से clay mineral को आप बोल पाओगे? पहला option है that is kyanite. B option है elite. सी ऑप्शन है मोंटमोरिलोनाइट, और डी ऑप्शन है हेलियोसाइट। तो इस तरीके से ऑप्शन आपके पास दिए गए। मैंने क्या पढ़ाया था, जब थ्योरी पार्ट में डिस्कस किया था, जो चाइना के लिए होते हैं उसके मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे सजावटी भी इक्विपमेंट, मतलब सजावटी बहुत सारे बर्तन बनाए जाते हैं, जो आपने देखा होगा अक्सर घरों में, जो है जो रूम होते हैं हमारे, हैं बैठक कमरा जो बनाते हैं हम लोग, वहाँ पे रख देते हैं, या सजावटी रूम में भी रख देते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे बर्तन मतलब मिट्टी के बनाए जाते हैं, जो कि आपके चाइना क्ले के बनाए जाते हैं। अब ये चाइना क्ले इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये मिट्टी के बर्तन, जैसे ही इसको हम लोग पकाते हैं हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, जब हाई टेम्परेचर पर इसको पकाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है।
अब ब्रिटल हो जाती है तो इसको हम लोग बनाते हैं। हालांकि इसका जो फेल्योर होता है बहुत सडन होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए मिट्टी का बर्तन गिर गया तो तुरंत तो इसका क्या होता है, सडन फेल्योर होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसलिए इसको थोड़ा मतलब आपको रखने में मतलब बहुत आसानी से इसको रखना पड़ता है कि कहीं पर टूट फूट ना जाए, तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा जो चाइना क्ले होता है वो कायोनाइट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कायोनाइट में। तो कायोनाइट क्ले मिनरल जो है चाइना क्ले में जो है कायोनाइट क्ले मिनरल पाया जाता है, तो इससे हम लोग मिट्टी के बर्तन बना पाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि क्ले मिनरोलॉजी और सॉइल स्ट्रक्चर पे थे। आगे का जो टॉपिक रहेगा वो कॉम्पैक्शन रहेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कंटिन्यूअस वीडियो देखते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसके साथ साथ में रिविज़न भी करते रहिए। ऐसा नहीं कि आपको एग्ज़ाम नहीं कराएगा गवर्नमेंट अपना एग्ज़ाम कराएगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन आपको तैयारी करते रहना है, आपको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि अभी आप टाइम वेस्ट कर दोगे, मान लें एग्ज़ाम 1-1.5 महीने बाद हो गया, तब तो आप अगर मान लें थोड़ा सा भी गलती कर दिया और आपका प्रीलिम्स नहीं निकला तो आपका 1 साल बर्बाद होने वाला है, आगे का कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। इसलिए ध्यान रखो जो आपको दिया गया कम से कम आपको क्या करना है, पढ़ना ही तो है, और तो काम आपके पास रहता नहीं है। तो कोशिश करिए कि आप उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।